बीच 2 इंच की दूरी रखें। हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर बाहर की तरफ निकालें। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं व इनको कंधों की सीध में लाएं। अब एड़ी को ज़मीन की ऊपर की तरफ उठाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। लाभ: यह आसन शरीर की स्थिरता को बढ़ाता है व बॉडी पोस्चर को ठीक करता है। एक विशेष उम्र तक हाइट इंक्रीज करने में सहायक है। सावधानियाँ: जो व्यक्ति चक्कर आना वेरिकोज वेन से पीड़ित हैं, इसका अभ्यास ना करें। अब सांस बाहर निकालते हुए एड़ी को नीचे लाएं। हाथों की उंगलियों को खोलते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए राइट लेग को मोड़ें व पैर को लेफ्ट लेग की जंगा या थाई पर रखें। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों को जोड़ लें। इस स्थिति में क्षमता के अनुसार 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। लाभ: इस वृक्षासन के अभ्यास से नाड़ियों व मांसपेशियों का सामंजस्य, स्थिरता व सतर्कता बढ़ती है। यह पैर की मांसपेशियों में खिंचाव करता है। अब सांस को छोड़ते हुए हाथों व पैरों को नीचे ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ भी दोहराएं। सावधानियां: जो व्यक्ति अर्थराइटिस, चक्कर आना व मोटापे से पीड़ित है, इस आसन का अभ्यास ना करें। पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ। इस आसन में हथेलियों को पैरों की तरफ लेकर जाते हैं। पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। कमर से शरीर में खिंचाव करके सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, जब तक कि हथेलियां जमीन पर स्पर्श न करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। लाभ: यह आसन स्पाइन को लचीला बनाता है, पाचक अग्नि की वृद्धि करता है व कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को रोकता है। सावधानियां: जो व्यक्ति कमर दर्द या किसी भी प्रकार की वर्टिबल और डिस्क डिसऑर्डर से पीड़ित है, इसका अभ्यास ना करें। किसी अन्य हृदय संबंधी विकार, हर्निया, अल्सर से ग्रसित व्यक्ति भी इसका अभ्यास ना करें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आकर सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। अर्ध मतलब आधा, चक्र मतलब व्हील। इस आसन में शरीर के आधे व्हील के समान आकृति होने से इसे अर्धकटी चक्रासन कहा है। अपने हाथों से कमर को सभी उंगलियों से सहारा दें व गर्दन को पीछे की तरफ झुकाकर गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करते हुए सांस लेकर कमर को पीछे की तरफ झुकाएं। वहीं पर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। इस स्थिति में सामर्थ्य के अनुसार 10 से 30 सेकंड तक बने रहें व सामान्य रूप से सांस लेते रहें। लाभ: इस आसन के अभ्यास से स्पाइन में लचीलापन व नाड़ियों को बल मिलता है, गर्दन की मांसपेशियां बलवान होती हैं। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएं। सावधानियां: जिन व्यक्तियों को चक्कर आते हैं वे इस आसन का अभ्यास ना करें। हाइपरटेंसिव पेशेंट को इस आसन का अभ्यास सावधानी से करना चाहिए। त्रिकोण का मतलब ट्रायंगल। जैसा कि नाम है, इस आसन में ट्रंक व लिम्ब्स 3 आर्म्स ट्रायंगल के समान आकृति बनाते हैं। विधि: समस्थिति में खड़े रहें, पैरों के बीच 2 या 3 फुट की दूरी बनाएं। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे कंधों की सीध तक ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकें व दाएं हाथ को पैर के पीछे रखें। अब सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर ध्यान केंद्रित करें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में रखें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें व सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएं। इस अभ्यास को बाईं ओर दोहराएं। लाभ:
इस आसन से वेस्ट थाई व काफ की मसल्स को बल मिलता है, स्पाइन को लचीला बनाता है। सावधानियाँ, जो व्यक्ति स्लिप डिस्क शियाटिका से पीड़ित हैं वो इसका अभ्यास ना करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही झुकें। तो यहाँ पर हमारे स्टैंडिंग के सारे आसन पूरे होते हैं, लेकिन अभी रुकिए मत, आगे और भी आसन हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ।